गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों चले बेटा कल के आगे का सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको तो बेटा ये सिंह सर का एक विजन है कि जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाइन लाइन बाय करा दिया जाए, ठीक है ना बेटा? तो उसी के तहत क्लास की क्लास फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री की क्लास टी लाइन बाय लाइन का ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया ठीक है बेटा तो चलिए कल के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको ठीक है भाई चलिए चलिए बेटा चला गया देखो बेटा ये प्रॉब्लम सेवन पॉइंट टू चलिए बेटा कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन विच पॉइंट टू मोलर एन एच फोर सीएल एंड पॉइंट टू मोल अमोनिया आर प्रेजेंट देखो बेटा अगर आप इसको सही से देखो तो ये क्वेश्चन बेटा कॉमन आयन का भी है ये क्वेश्चन बेटा बेसिक बफर का है ठीक है ना तो आप अगर इसे बेटा बेसिक बफर वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा बाकी आप देखो जब भी बेटा कॉमन एन का क्वेश्चन होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा वीक होता है उसकी हम लोग आयनाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं तो देखो बेटा अमोनिया कितना दिया है पॉइंट वन और ये बेटा कितना दिया है पॉइंट टू पवन इसको यार इधर कर दो ऊपर थोड़ा करो ऊपर ऊपर खो देखो बेटा देखो एन एस थ्री टू मान लो बेटा इसका एक्स खर्च हो गया तो अमोनियम आयन बेटा कितना बनेगा एक्स हाइड्रोक्सी लाइन कितना बनेगा एक्स तो बेटा अमोनिया कितनी बची पॉइंट वन जीरो माइनस एक्स ये कितना हो गया पॉइंट टू प्लस एक्स और ये बेटा एक्स OH के बी का फॉर्मूला लिखा एन एच फोर प्लस के ओ एच माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया तो बेटा आपका ये ओ एच माइनस आ गया ठीक यहीं पर बेटा इसकी क्या निकाल लो पी एच आप बेटा इस ओ एच माइनस को नाइन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव लिख माइनस सिक्स मान लो राउंड फिगर में एट पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस नाइन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स हो गया तो पीओ एच बेटा कितना हुआ सिक्स माइनस लॉग नाइन सिक्स माइनस लॉग नाइन लॉग नाइन की वैल्यू बेटा क्या होगी पॉइंट नाइन सिक्स तो ये बेटा कितना आ गया 5.04 ये क्या आया बेटा poh आपको क्या निकालना है ph 14 minus 5.04 ये बेटा क्या आ जाएगा 9.8 point 95 8.96 ठीक एक तरीका तो बेटा ये है दूसरा आप direct बेटा ये क्वेश्चन देखो <coughs> डायरेक्ट ये वाला जो क्वेश्चन था डायरेक्ट बेटा ये क्वेश्चन है किसका बेसिक बफर का देखो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप इसको बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो पीओएच एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस तो बेटा सॉल्ट की जगह क्या रख दोगे पॉइंट टू बेस की जगह पॉइंट वन पी के बी आपको दिया हुआ है सॉल्व कर लीजिए अब देखिए बेटा रिलेशन बिटवीन के एंड के बी ठीक है ना तो देखो बेटा अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ठीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी है गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योति वर्मा गुड मॉर्निंग मनीष शर्मा गुड मॉर्निंग सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा तो देखो बेटा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी है अब हमको इसमें रिलेशन लाना है तो देखो इन्होंने एग्जांपल क्या लिया अमोनियम आयन और अमोनिया अमोनियम आयन बेटा क्या है बेस एसिड है अमोनिया बेटा क्या है बेस या कह लिया अमोनिया बेस है अमोनियम आय कॉन्जुगेट एसिड है तो देखो बेटा अमोनियम आय कॉन्जुगेट एसिड है आपने बेटा इसको पानी में डिजोल्व किया देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है एच प्लस जो एच प्लस देगा बेटा वो क्या होगा एसिड इसका क्या निकाल लिया K. हम K के हम लोग बेटा के के फॉर्मूले में वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर प्योर होता है इसकी कंसेंट्रेशन को वन ले लेते हैं तो देखो K के बेटा क्या हो प्लस इन टू एन एस थ्री अपॉन अमोनियम 5.6 10 की पावर -10 फिर देखो बेटा अमोनिया बेस है पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं देखो ये क्या बना रहा है OH माइनस. इसका बेटा KB का फॉर्मूला लिख लिया सबको आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी देखो वाटर को हमने नहीं लिया और ये बेटा सबको मालूम है KW का ये फार्मूला होता है H+ OH- KW अब हमने क्या किया बेटा ये जो के का रिलेशन निकाला इन टू तो के बी का रिलेशन निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जब के और के देखो के बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बी रिप्रेजेंट करता है बेस की बेसिक स्ट्रेंथ हायर इज द वैल्यू ऑफ के हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ हायर इज द वैल्यू ऑफ के बी हायर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ठीक है तो देखो बेटा ये आपका के है ये आपका के बी के इंटू के बी आप सॉल्व कर लो के इंटू के बी करोगे तो बेटा वो किसके बराबर आएगा के डब्लू के क्योंकि बचेगा क्या जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा बेटा एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस इंटू ओ एच माइनस देखो बेटा इंटू के बी निकाला इन्होंने, ठीक तो बेटा सिर्फ ये बच रहा है तो आपको सिर्फ बेटा याद रखना कि अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है तो K इंटू के बी बराबर क्या होता है के डब्ल्यू और अगर बेटा दोनों तरफ लॉग लोग हैं इसी को लिखते हैं पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू जैसे आपसे कह रहा के एसिड है इसका बेटा पी के आपको दिया है 4.75 कह रहा है एसीटेट आयन का क्या निकालो पी के बी तो आप बेटा इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए पी के डब्लू बेटा कितना लेना 14 4.75 प्लस पी के बी इक्वल टू क्या होगा 14 ये क्या आ जाएगा 9.75 तो आपको बेटा सिर्फ ये याद रखना है कॉन्जुगेट सिस्टम में के इंटू के बी बराबर क्या होता है के डब्ल्यू पी के प्लस पी केवी बराबर क्या होता है पी के डब्ल्यू अब देखो उसी को इन्होंने जनरलाइज किया ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है अगर बेटा आपके पास दो केमिकल दो रिवर्सिबल रिएक्शन है या दो से ज्यादा पहली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन दूसरे का के टू तीसरे का के थ्री अगर आप तीनों को एग्जैक्टली exactly जोड़ दें तो जो नई रिएक्शन बनेगी उसका इक्विब्रियम कांस्टेंट तीनों का प्रोडक्ट होता है ये हम लोगों ने इक्विब्रियम में पढ़ा है वही बात लिखी है अगर दो या दो से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन दी है उनका इक्विब्रियम कांस्टेंट दिया है तो बेटा इनको जोड़ने पर जो नई रिएक्शन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट और बाकी के इन टू के बी बराबर के डब्ल्यू पी के प्लस पी के बराबर पी के डब्ल्यू फिर देखिए इसी के और इंटू के बी बराबर के को फिर दूसरी तरीके से डिराइव किया अब इन्होंने क्या लिया है कि एक बेस बी है और बी एच प्लस वही है ये एन थ्री है एन एच थ्री प्लस है वहां पर बेटा एक नोन लिया था ये एन थ्री था एन एच फोर प्लस था अब फिर से बी और बी एच प्लस ले रहे तो वही रिलेशन दोबारा निकाल के दिखा रहे तो देखो बेटा आपको याद क्या रखना है कॉन्जुगेट सिस्टम में के इन टू के बी बराबर के डब्ल्यू पी के प्लस पी के भी बराबर पीकेडब्लू ट्वेंटी फाइव डिग्री सी पर pkw डब्ल्यू बेटा कितना फोर्टीन के डब्ल्यू कितना वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर्टीन अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पी एच ऑफ पॉइंट वन मोलर अमोनिया बहुत आसान है अमोनिया बेटा क्या वीक बेस है आपको देखो बेटा कह रहा टेबल में चले जाओ बी की वैल्यू बेटा लगभग पावर माइनस फाइव होती है अमोनिया के लिए यहाँ टेबल में बेटा इंटू टेन की पावर माइनस फाइव दिया कुछ नहीं है अमोनिया बेटा क्या वीक मोनो एसिडिक बेस है कॉमन फार्मूला मान लिया करो बीओ एच तो बेटा ओ OH एच माइनस क्या होगा अंडर रूट के बी इंटू सी देखो बेटा के बी दिया है सी कितना दिया है पॉइंट जीरो से बेटा ओ OH एच माइनस निकाल लो पॉइंट जीरो इंटू वन पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ये बेटा कितना हो जाएगा अट्ठारह इंटू पांच वन पॉइंट एट इंटू जीरो फाइव नाइन हो गया नाइनटी हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर रूट लोगे, तो 3 इनटू 3.16 इनटू 10 की पावर माइनस 4, ये बेटा क्या आ गया? OH माइनस, निगेटिव लॉग ले लो, लो, pH आ जाएगा, 14 जगह डालो, pH आ जाएगी, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बाकी इन्होंने देखो काफी लंबी कैलकुलेशन कर रखी है उतनी जाने की कोई जरूरत नहीं है आप सिंपल आप आपको जो तरीका आता है उसको सॉल्व कर लीजिए वैसे देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने देखो वही आपका पहले अल्फा निकाला है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो ओ वे, बेस है बेटा ओ एच माइनस अंडर रूट के बी सी ठीक उसका फिर पीओ एच निकाल लो फिर बेटा क्या निकाल लो पीएच एच अब देखिए बेटा डाई एंड पॉली बेसिक एसिड देखो जैसे डाई का मतलब जो एसिड बेटा H प्लस देता है वो क्या है डाई बेसिक और पॉली का मतलब दो से ज्यादा तो देखो ऑक्सिलिक एसिड बेटा डाइ बेसिक है सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक है फॉस्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक है ठीक है ना तो यहां पर बेटा आपको क्या सीखना है कि ये बेसिक है। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए वन है दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए टू है ठीक है ना तो बेटा ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा के क्या होता है के ए वन इंटू के ए टू ठीक फिर अगर बेटा वैल्यूवाइज देखें तो के ए वन ग्रेटर देन के ए टू होता है और के ए टू ग्रेटर देन बेटा के ए थ्री होता है ठीक इन जनरल k1 वन ग्रेटर के टू ग्रेटर के थ्री अप टू के एन होता है देखो यही बात लिखी है के ए वन फर्स्ट डिसोसिएशन कॉन्सटेंट के ए टू सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एच थ्री H3PO4 होगा के ए वन के ए टू के थ्री आप किस देखो ये सब वैल्यू आप देखो हमेशा Ka1, Ka2 से बड़ा होता कारण है कारण समझिए पहला जो बेटा एच प्लस निकलता है वो किससे निकलता मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता आसानी से निकल जाता है के वन ज्यादा लेकिन जो सेकेंड एच प्लस निकलता है बेटा वो एनायन से निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि H का निकलना मुश्किल होता है इसलिए बेटा के टू के वन से कम होता है अब अगर बेटा तीसरा H प्लस भी निकलने की पॉसिबिलिटी है तो तीसरा एच प्लस एनाइंस निकल रहा है जिसपे दो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ेगा तो बेटा H प्लस का निकलना और मुश्किल हो जाएगा के थ्री और कम हो जाएगा यही बात इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है

H2PO4 माइनस से ठीक है HPO4 डबल माइनस से तो यहाँ दो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और बढ़ गया तो बेटा एच बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट घट जाएगा तो आपको बेटा इस पूरे डिस्कशन में क्या रखना है अगर डाई बेसिक एसिड है लाइक ऑक्सैलिक एसिड ठीक है कार्बोनिक एसिड पहला H प्लस निकल डिसोसिएशन कांस्टेंट के है दूसरा निकलना के टू तो के ए वन ऑलवेज ग्रेटर क्यों कम होगा पहला एच प्लस देखो बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकलता है आसानी से निकलता है दूसरा एच प्लस से निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एच प्लस का निकलना मुश्किल होता है That's why less than K1. अब जब तीसरा आप निकाल रहे हो जैसे एच थ्री पीओ फोर में तो तीसरा एच प्लस किससे निकलता है एच टू पीओ एच पीओ फोर डबल माइनस तो बेटा एनआईन के बाद दो निगेटिव चार्ज है चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और ज्यादा है तो एच प्लस का निकालना और मुश्किल हो गया इसलिए बेटा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और कम हो जाएगा तो आपको जनरलाइज क्या रखना है सबसे बड़ा फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ अप टू एन तक फिर देखिए बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड की स्ट्रेंथ को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो देखो बेटा एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड आपका हाइड्रोजन जिस ए एटम से जुड़ा है ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है साथ-साथ बॉन्ड -साथ, की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है ठीक है दो फैक्टर हैं एक बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, यानी पोलैरिटी। तो दो चीजों पर आपको ध्यान देना है पोलैरिटी पर बॉन्ड स्ट्रेंथ पर अगर आप एक ही ग्रुप में से नीचे जा रहे अगर आप एक ही ग्रुप में से नीचे जा रहे हैं जैसे एच एफ है एच सी एल एच बी आर एच आई है या फिर बेटा के हाइड्राइड है फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड है टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ कंपेयर करना है यहाँ कंपेयर करने का बेटा क्राइटेरिया होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हो साइज बढ़ता है बॉन्ड 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 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की लेंथ क्या होगी बढ़ेगी घटेगी दैट्स बेटा नीचे वाले का एसिडिक सबसे ज्यादा तो मोस्ट एसिडिक बेटा कौन होता है एच आई क्यों जैसे जैसे आप बेटा एच एफ से लेके एच हाँ आई की ओर जाओगे एच हाँ आई का में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम तोड़ना सबसे आसान एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो देखो यही लिखा है जब आप सेम ग्रुप में जाते हैं तो बेटा क्या देखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ तो जहां पर बॉन्ड सबसे वीक, H का निकलना सबसे आसान, ज्यादा और बेटा बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी साइज ऑफ ए पर ए जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड उतना वीक यही बाटा सिक्स ग्रुप में एच टू ओ एच टू एस एच टू एस एच टू टी मोस्ट कौन होगा एच टू टी क्यों टी का साइज सबसे बड़ा है एच और टी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तोड़ना सबसे आसान है लेकिन बेटा अगर यही चीज आप ग्रुप में करोगे देखो ये सिक्स ग्रुप का लिखा है एच टू एस इज स्ट्रॉगर देन एच टू ओ सिक्स ग्रुप में क्या होगा बेटा एच टू टी एच टू एस एच टू एस एच टू ओ नीट में एक बार इस पे पूछा गया। और फिर अगर बेटा पीरियड में देख रहे हो तो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरिन की आप देखो बेटा अगर एक ग्रुप के हाइड्राइट की बात कर रहे हो तो बॉन्ड लेट्रेंथ पे जाना बॉन्ड जितना वीक एसिडी की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा और अगर बेटा पीरियड में जा रहे हो हाइड्राइट का एसिडिक करेक्टर देख रहे हो तो आप क्या देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ए जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एच प्लस उतनी आसानी से निकलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अब आइए बेटा कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बेटा <coughs> जब किसी देखो एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन है देखो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट और कुछ नहीं है ली चैटलियर प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट यानी कॉमन आयन ऐड करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से और कम हो जाता है इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं जैसे देखो एस्टिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है ठीक है ना इस तरीके या एक जनरल रिएक्शन लिख दिया ये बेटा डिसोसिएशन अगर बेटा इसमें आप एच डालोगे कॉमन है या सोडियम एसिटेट डालोगे एसिटेट एन कॉमन है रिएक्शन बेटा किधर जाएगी बैकवर्ड बैकवर्ड जाने से एसटीके एसिड टूटने की बजाय क्या होगा बन जाएगा ठीक तो इसी को बेटा हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब कॉमन आयन की प्रेजेंस में जैसे एस्टिक एसिड के सॉल्यूशन में एसियर डालोगे तो कॉमन आयन एच प्लस होगा सोडियम एसिटेट डालोगे कॉमन आयन एसिटेट आयन होगा दोनों केस में रिएक्शन बेटा किधर जाएगी बैकवर्ड एस्टिक एसिड टूटने की बजाय बेटा क्या होगा बनने लगेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटने लगेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट यही बात बेटा इसमें लिखी हुई है ठीक है तो आपको क्या रखना है कॉमन आयन की प्रेजेंस में कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक एसिड और वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो जाता है इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट बेटा किस पर बेस्ड है ली चैटलियर प्रिंसिपल पर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन अब जैसे देखो इन्होंने एक बेटा लिया एक बेटा एक वीक आपके पास है सपोज जीरो फाइव मोलर एस्टिक एसिड इसमें बेटा पॉइंट जीरो फाइव मोलर एसिडेट आयन और याद रखो जित कॉमन आयन की प्रॉब्लम बफर की भी प्रॉब्लम होती है देखो यहाँ पर एस्टिक एसिड सोडियम एसिटेट है बफर की, की भी है चलो अभी हम लोग बफर नहीं पड़े तो कॉमन आयन से कर रहे हैं देखो बेटा जीरोगा पॉइंट जीरो माइनस एक्स खर्च हो गया। तो ये कितना बनेगा पॉइंट जीरो आप एक्स को वन से बहुत कम मान लीजिए तो आप इसकी जगह क्या ले लो पॉइंट जीरो इसकी भी जगह क्या ले लो पॉइंट जीरो देखो बेटा 0.05 0.05 देखो ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हो गई अब आपने देखो बेटा के का फॉर्मूला लिखा ये वैल्यू रख की x के 0.05 के रिस्पेक्ट में दोनों जगह x को नेगलेक्ट कर दिया 0.05 0.05 कैंसिल हो गया तो आपका बेटा के सिंपली क्या बचा k इक्वल टू क्या हुआ 0.05 x 0.05 ये कैंसिल हो गया बेटा आपका x क्या आ गया k यानी 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ठीक है और ये ये किसके बराबर हुआ h प्लस लॉग ले लो ये क्या पी एच अब अगर यही क्वेश्चन बेटा बफर के फॉर्मूले से करते तो पी एच बराबर पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसे सॉल्ट बेटा क्या रखते पॉइंट जीरो फाइव ये क्या रखते पॉइंट जीरो फाइव लॉग इक्वल टू पी के ये बेटा क्या होता है वन लॉग वन क्या होता है जीरो पीएच बराबर क्या होता पी के ठीक तो कॉमन आयन की प्रॉब्लम बफर की भी प्रॉब्लम इसी तरीके से देखो ये भी प्रॉब्लम वैसी ही है कॉमन आयन की प्रॉब्लम से भी कर सकते हो बफर से भी कर सकते हो लेकिन देखो यहाँ पर यह नहीं पता चल रहा कि बफर का है देखो पहले यहाँ ये वाली प्रॉब्लम तो सिंपली एक वीक बेस का है पॉइंट वन मोलर अमोनिया है ठीक है इसकी आपको क्या निकालनी है पीएच तो पहले आप ओ एच माइनस इनके सोल्यूशन में चले जाओ या फिर आप सिंपली डायरेक्ट कर लो ओ एच माइनस निकाल लो अंडर रूट के बी से किया उन्होंने वही है ठीक फिर क्या निकाल लो पी ओ एच फिर बेटा क्या निकाल लो पी एच देखो बेटा इन्होंने क्या किया <laughs> देखो बेटा अमोनिया की पीएच निकालनी एकदम ये बेसिक से शुरू कर रहा है अमोनिया को पानी में डिजोल्व किया हुआ ये के.बी का फॉर्मूला हो गया ठीक है भाई तो देखो <laughs> फिर इन्होंने वो क्वाडिटी की इक्वेशन वो करना नहीं है हम लोगों को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो ज्यादा अच्छा अब देखिए बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर आप सबको मालूम है बेटा जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं एक रिक्वायर्ड रेशियो में तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर तो बेटा जो सॉल्ट बना उसका केटाइन या एनायन या दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ठीक तो बेटा सॉल्ट का केटायन या एनायन या दोनों वाटर से इंट्रैक्ट करते हैं रिएक्ट करते हैं और बेटा क्या बनाते हैं? करते हैं हाइड्रोलिसिस करस्पोंडिंग एसिड एंड बेस और याद रखिए

हाइड्रोलिसिस बेटा किसकी होती है वीक एसिड के एनायन की वीक बेस के की या फिर बेटा दोनों की तो देखो बेटा हाइड्रोलिसिस इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है फिर से सुनिए जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन को क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन तो जो सॉल्ट बना उसका केटाइन या एनायन या दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब याद करने वाली बात क्या है हाइड्रोलाइज कौन होता है वीक एसिड का एनाइन या वीक बेस का केटन या दोनों अब डिपेंड करता है आपका सॉल्ट कैसा है तो हाइड्रोलिसिस बेटा तीन तरीके की हो सकती है पहला सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इसमें कौन आइड्रोलाइज होगा एनाइन याद रखो बेटा यहाँ देखो नीचे दिया है. जब की hydrolysis होती है ग्रेटर देन सेवन तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का नेचर बेसिक पीएच ग्रेटर दूसरे टाइप का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो वीक बेस के केटाइन यहाँ पर अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस पे देखो बेटा क्या प्रोड्यूस होगा H प्लस जिसके कारण सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक। देखो ये देखो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा जिसके कारण सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक। पीएच क्या होगी लेस देन सेवन फिर देखिए बेटा अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है लाइक अमोनियम एसिटेट तो देखो एनाइन भी हाइड्रोलाइज होता है भी हाइड्रोलाइज होता है करस्पॉन्डिंग एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा देखो इस केस में बेटा जब आपका सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है न्यूट्रल भी डिपेंड करेगा बीओ एच का एसिड के बी पर एसिड के, के पर। और आप बिट के पास ये फॉर्मूला है इससे आप क्या निकाल लोगे पी एच अगर पी एच लेस देन सेवन आई एसडी ग्रेटर देन सेवन आई बेसिक इक्वल टू सेवन आई न्यूट्रल ठीक है और ये याद रखना अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है लाइक अमोनियम एसिटेट तो आप देखो बेटा इसके पीएच के फॉर्मूले में मोलैरिटी नहीं है तो इस टाइप के सॉल्ट की पीएच कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती इसकी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन या डायलुशन परिपेंड नहीं करती जबकि सोडियम एसिडेट की करती है अमोनियम क्लोराइड की करती है इन दोनों में हायर इज द कंसंट्रेशन लोअर विल बी डिग्री ऑफ आइडोलिस ठीक है यहाँ बेटा इनके पीएच का फॉर्मूला नहीं दिया है लेकिन आप बेटा इसको याद कर लीजिएगा अगर अमोनियम एसिटेट है सॉरी सोडियम एसिटेट टाइप का है तो पी केडब्लू प्लस पी के प्लस लॉग सी क्या दिख रहा है हायर इज द कंसेंट्रेशन लोवर हायर विल बी पी एच और अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा वन बाई टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी ये क्या कह रहा है बेटा हायर इज द कंसंट्रेशन लोअर विल बी पी एच ठीक तो ये फार्मूले भी पी के बेटा इसके लिए और इसके लिए याद कर लीजिएगा एनसीआर में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखो बेटा तीन तरीके की हाइड्रोलिस होती है जिसमें केवल केटाइन हाइड्रोलाइज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट एक जिसमें केवल एनाइन हाइड्रोलाइज होता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और बेटा जिसमें दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं ज्यादातर बेटा क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछा गया है अब जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है एस्टिक <clears> एसिड <throat> का पीके दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी दोनों का इक्वल दिया है. कह रहा पीएच बताओ सिंपली फार्मूला है पीएच कितनी आ रही सेवन ऑलमोस्ट सेवन आती है अमोनियम एसिटेट का बेटा न्यूट्रल होता है फिर देखिए बेटा बफर सॉल्यूशन हमारी बॉडी में जो फ्लूड्स पाए जाते हैं जैसे ब्लड है यूरिन है इनकी एक डेफिनेट पीएच होती है अगर बेटा उस पीएच में वेरिएशन आने लगता है तो हम लोग को सिम्टम दिखने लगते हैं और हम कहते हैं हम बीमार हो रहे हैं ठीक है पीएच का कंट्रोल बेटा बहुत जरूरी है तो देखो बेटा जहां पर भी हमें कॉन्स्टेंट पीएच की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बफर सोल्यूशन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम पानी मिलाएं तो पानी मिलाने का विरोध करता है एसिड का स्मॉल अमाउंट बेस का स्मॉल अमाउंट उसका विरोध करता है मतलब बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें पानी मिलाने पर उसका एच प्लस या ओ एच माइनस चेंज नहीं होता pH चेंज नहीं होती स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड यानी एच प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस यानी ओ एच माइनस मिलाने पर बेटा सोल्यूशन का एच प्लस चेंज नहीं होता ओ एच माइनस चेंज नहीं होता pH चेंज नहीं होता तो बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाए यानी ओ एच माइनस pH बेटा चेंज नहीं होती या पानी मिलाए तो पी एच चेंज नहीं होती देखो क्यों देखो pH बेटा किस पे डिपेंड करती है एच प्लस पर याच माइनस OH आपकी पीएच चेंज नहीं इसका मतलब बफर का इंटरनल सिस्टम इस तरीके का होता है कि जो H प्लस आता है साइमेंटेनियसली कंज्यूम होता है नेट में H प्लस का गेन नहीं होता जो ओ OH माइनस आप ऐड करते हो साइमेंटेनियसली कंज्यूम हो जाता है पीएच नो चेंज तो अगर बेटा आपको वीक एसिड का पीके मालूम है वीक बेस का पीके भी मालूम है तो जिस पीएच का आपको बफर चाहिए आप उसको डिजाइन कर सकते हैं और देखो आप सबने बेटा पढ़ा होगा यहाँ उन्होंने हालांकि दिया नहीं है देखिए अगर एक एसिड है उसका पीके दिया हुआ है तो इसके बफर के पीए बफर के पीएच का फार्मूला होता है रेंज होती है पीके प्लस माइनस वन ठीक है और बेटा जब भी हम बफर बनाते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड मैक्सिमम बेटा कितना लेते हैं टेन मिनिमम कितना लेते हैं वन बाई टेन ये यहाँ नहीं दिया है लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा अगर आपको पी के मालूम है पी के भी मालूम है तो आप क्या नहीं? बना सकते हो बफर प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर एसिडिक बफर का मतलब ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है एसिडिक बफर का मतलब ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड लाइक एसटिक एसिड लाइक एच ए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विध बेस या एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस देखो प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर इन्होंने डेरिवेशन कर रखा है कुछ नहीं है इसमें देखो बेटा एसिडिक बफर का मतलब ये एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस है ये, ये एसिडिक बफर है आप इसको कह लो एस्टिक एसिड है आप ये लो एसिटेट आयन है एसिटेट आयन किससे आएगा सोडियम से ठीक देखो बेटा ये कॉमन आयन की प्रॉब्लम है कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो देखो एच ए को पानी में डिजोल्व किया ये रिएक्शन हुई डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के का फॉर्मूला लिखा हमें बेटा पी एच निकालनी है, हम क्या निकालेंगे एच प्लस ए माइनस बेटा ए माइनस का मतलब सॉल्ट और ये बेटा क्या है acid. तो देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या कर दिया ए माइनस की जगह देखो बेस ये आ गया आपका यहाँ से बेटा हमने क्या निकाला एच प्लस दोनों तरफ लॉग ले लिया माइनस से मल्टीप्लाई किया जहाँ माइनस लॉग है वहां पी कर लिया फाइनली बेटा ये फार्मूला आता है पी एच बराबर पी के प्लस लॉग या कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन बोलो या साल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ये ए माइनस अपॉन एच ए बेटा क्या है ये आपका क्या है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ये एसिड की कंसंट्रेशन ठीक बफर बनाते वक्त इसका ध्यान रखते हैं मैक्सिमम क्या लिया जा सकता है टेन मिनिमम क्या लिया जा सकता है वन बाई टेन फाइनली देखो बेटा अगर एसिडिक बफर का क्वेश्चन है आप केवल फार्मूला याद रखिए आपके सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे बस दो चीजें आपको रखनी है एसिडिक बफर का मतलब ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस आपको बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन दिया होगा एसिड सॉल्ट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एनाइन कॉन्जुगेट बेस कर लीजिए ठीक है अब देखो बेटा अगर सॉल्ट और एसिड इक्वल होगा जैसे इन्होंने कहा ए माइनस इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एच तो लॉग वन बेटा क्या होगा जीरो पी बराबर क्या होगा पी के देखो अगर कभी भी बेटा ये बोला जाए हमें एक ऐसा बफर बनाना है जिसकी एक्टिविटी बेटा बेस्ट होती है तो बेस्ट एक्टिविटी के लिए सॉल्ट और एसिड बेटा क्या लेते हैं वन लॉग वन क्या होता है जीरो पी बराबर क्या होता है पी इसी तरीके से अगर बेसिक बफर है तो बेटा पीएच की जगह पीओ एच कर दो पीके की जगह पीके भी लॉग सॉल्ट अपॉन बेस इसमें बेटा ज्यादा कुछ नहीं है केवल फार्मूला याद रखिए बस फिर से देखिए बेसिक बफर का मतलब ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे कॉमन बफर बेटा क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड और पीएच की यहाँ बेटा पहले हम लोग पीओएच निकालते हैं पीओएच बराबर पी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस ठीक है ना और 14 से घटा के क्या निकाल लेते हैं पीएच तो बस आपको बेटा बफर में कितना क्या याद रखना है एसिडिक बफर क्या होता है बेसिक बफर क्या होता है एसिडिक बफर की पीएच निकालने का फार्मूला पीएच बराबर पीके लॉग साल्ट अपॉन एसिड बेसिक बफर का फार्मूला पीएच बराबर पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस साल्ट का मतलब कॉन्जुगेट बेस अगर एसिडिक बफर है तो बेटा सॉल्ट का मतलब कॉन्जुगेट बेस यानी एनाइन की कंसंट्रेशन बेसिक बफर है तो मतलब सॉल्ट का मतलब कॉन्जुगेट एसिड यानी केटाइन की कंसंट्रेशन और बफर बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि बेटा सॉल्ट अपॉन एसिड मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं टेन मिनिमम क्या ले सकते हैं मैक्सिमम पी के माइनस वन क्वेश्चन में लिखा हो एक ऐसा बफर बनाना है जिसकी एक्टिविटी बेस्ट हो तो बेस्ट एक्टिविटी के लिए सॉल्ट अपॉन एसिड बिटा सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन इक्वल लेते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड क्या लेते हैं वन लॉग वन क्या होगा जीरो पीएच बराबर क्या होगा पी के

की तरह यूज भी करते हैं और ये दूसरा आपका लिथियम फ्लोराइड है इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा बहुत कम होती है ठीक है तो देखो बेटा एक सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होगा यानी उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर और बेटा सॉल्वेशन आयन और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन पे अगर आयन यानी हाइड्रेशन पर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पर अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है आयन यानी हाइड्रेशन अगर ज्यादा है कम है तो बेटा ज्यादा होती सोल्वेशन इन एनर्जी बोलते हैं रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन ठीक अगर अमाउंट ऑफ सोल्वेशन इन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ नॉन पोलर सोलवेंट सोल्वेशन इन थे हाइड्रेशन होगा ही नहीं ठीक है ना वहां पर लैटिस एनर्जी को बेटा ओवरकम नहीं कर पाते दैट्स सोलबिलिटी बेटा बहुत कम इसीलिए बेटा सॉल्ट नॉन होते क्यों क्योंकि नॉन पोलर में बेटा लैटिस एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपकी सॉल्वेशन एनर्जी ना के बराबर इसलिए सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता इसीलिए हम लोग कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक तो देखो बेटा एक सॉल्ट पानी में डिजोल्व होता है उसके लिए बेटा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर सॉल्वेशन इंथेरेपी यानी हाइड्रेशन एनर्जी और बेटा किस पर लैटिस इनथेरेपी पर अगर सॉल्वेशन लैटिस से ज्यादा है सॉल्ट सॉलबेल होगा लैटिस सॉल्वेशन से ज्यादा है सॉल्ट बेटा बहुत कम सोलबेल होगा फिर देखो बेटा इन्होंने क्राइटेरिया किया कि अगर आपके कंपाउंड की सोलबिलिटी पॉइंट वन से ज्यादा है तो हम कहेंगे सोलबल है से .01 के बीच में तो स्लाइटली सोलबल है और पॉइंट जीरो वन से कम है तो स्प्रिंगली सोलबल है तो हम लोग जो बेटा ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो किसके लिए स्प्रिंगली सोलबल कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बेटा किसके लिए है स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट और बेटा चूंकि सॉल्ट आपके पोलर कंपाउंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ना के बराबर डिजॉल्व होते हैं वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है उसमें बेटा फुली सॉलेबल होते हैं तो ये ध्यान रखिए प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा स्प्रिंगली आयनिक के लिए प्रोडक्ट अब देखो बेटा आपने बेरियम सल्फेट को पानी में डिजोल्व किया सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया तो सैचुरेटेड मतलब नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व एट गिवेन टेम्परेचर तो देखो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट बेरियम आयन और सल्फेट के बीच में इक्विलिब्रियम है और ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में अब देखो बेरियम सल्फेट बेटा सॉलिड है तो इसको हटा दिए इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेंगे ठीक <laughs> तो अगर इस इस BaSO4 को बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ फोर बेटा किसके बराबर होता है के एस पी देखो बेटा के एस पी और कुछ नहीं होता है आयनिक प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है जब भी आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई या के का फॉर्मूला लिखना हो पहले बेटा उसको आयनाइज कर दिया करो ठीक के टयन पता चल जाएगा एनाइन पता चल जाएगा और बेटा उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अगर सेचूरेटेड नहीं है तो आयनिक प्रोडक्ट सेचूरेटेड है तो बेटा उसको बोलते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एक गिवन टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बेटा क्या होता है कॉन्स्टेंट अब जैसे इसके लिए बेटा 29 25 डिग्री सी पर 1.1 10 की पावर -1 है अगर हम मान ले बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी एस है ठीक तो ये एस हुआ ये एस हुआ ये, एस हुआ, ये आपका सॉल्वेंट तो देखो बेटा 0.01 से बहुत कम है तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है तो देखो बेटा आप बेटा क्या रखोगे एक इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई है एक्स बेटा नंबर ऑफ कैटायन बेटा ठीक है ना तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला x की पावर x, y की पावर y, s की पावर एक्स प्लस वाई। अब अगर one is to one type का है तो सबको मालूम होगा के एसपी क्या होगा एस स्क्वायर वन इंस टू टू या टू इज वन है तो के एस पी क्या होगा फोर एस क्यू टू इज टू थ्री या थ्री इज टू टू है तो के क्या होगा वन जीरो ये सब बेटा रिलेशन याद रखिए वन इज टू थ्री है या थ्री इज टू वन है तो ये बेटा हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एस की पावर फोर ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए अब जैसे देखो ये है, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जिरकोनियम फॉस्फेट देखो जिरकोनियम फॉस्फेट ये बेटा ये वाले नंबर कितने मिल रहे हैं तीन और आयन ये बेटा कितने मिल रहे हैं चार इसका कह रहा है कि एस का फॉर्मूला क्या होगा तो थ्री की पावर थ्री फोर की पावर फोर एस की पावर थ्री प्लस फोर सॉल्व कर लोगे तो, तो आप सिंपली बेटा अगर x नंबर ऑफ केटाइन है y नंबर ऑफ एन है तो के का फॉर्मूला x की पावर x y की पावर y S की पावर x प्लस वाई वैल्यू रखो आंसर हो गया कुछ नहीं है इन सब में देखो वही फार्मूले को इन्होंने यहाँ डिराइव किया है बेटा देखो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है x नंबर ऑफ केटाइन y नंबर ऑफ एनाइन तो के एस पी देखो क्या है x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस वाई वन इज टू वन है जैसे AgCl है बेरियम सल्फेट है जैसे देखो ये है ये देखो वन इज टू वन है बेटा ये वन इज टू वन वन इज इसके लेके एस क्या होगा एस स्क्वायर देखो बेटा ये टू ये देखो टू इज टू वन है वन इज टू वन है फोर एस क्यूब ठीक अब देखो ये एल्यूनियम हाइड्रोक्साइड वन इज टू थ्री है वन इज टू थ्री है तो बेटा क्या होगा ट्वेंटी सेवन एस की पावर फोर ठीक है फेरिक हाइड्रोक्साइड यही होगा आपका और अगर बेटा कैल्शियम फॉस्फेट है थ्री टू है तो वन जीरो पावर फाइव बस वैल्यू रखना आना चाहिए आपको देखो बेटा तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड प्रेसिपिटेशन हमेशा बेटा किसमें होता है सुपर सेचुरेटेड में आयनिक प्रोडक्ट जब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं सुपर सेचूरेटेड आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो सेचुरेटेड आयनिक प्रोडक्ट लेस देन के एसपी है तो अनसेचुरेटेड अब देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन है आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट ए टू एक्स ए टू एस थ्री है के एस पी दिया है क्या निकालना है बेटा सॉलिबिलिटी देखो बेटा आप डायरेक्ट कर लीजिए के एस पी क्या होगा वन जीरो एट एस की पावर फाइव के एस पी देखो कितना दिया है वन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री इसको बेटा हम लिख सकते हैं एक सौ दस इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन जीरो एट एस की पावर फाइव ये एक सौ दस है एक सौ आठ है लगभग बराबर कैंसिल कर लो एस निकाल लो यहाँ देखो एस की पावर फाइव है तो एस निकालना है तो पावर को पाँच से डिवाइड कर दो ये आंसर हो गया फिर देखो बेटा ए आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है निकिल हाइड्रोक्साइड है ये इसके के पी को किसके बराबर कर दो फोर एस क्यूब इसके के एस पी को किसके बराबर कर दो एस स्क्वायर बेटा आप सॉल्व करके एस निकाल लो दोनों केस में फिर देखो बेटा ये कह रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ठीक है ना आपको देखो कॉमन आयन की बात करेंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या कहता है अगर बेटा हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें अगर हम किसी आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर वो आयन कंज्यूम हो सो दैट की के एसपी टू क्यू एस पी मेनटेन रहे क्यू एस पी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट के एस पी को बोलते हैं सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से चेंज नहीं होता चेंज क्या होता है क्यू एसपी ठीक है तो आपको सिर्फ बेटा इस पूरे डिस्कशन में ये याद रखना है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी बेटा डिक्रीज करती है ठीक कॉमन आयन की प्रेजेंस में बेटा सोलबिलिटी क्या होगी डिक्रीज करती है यही बात इन्होंने लिख रखी है तो चाहे बेटा आपका स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट हो जैसे बेरियम सल्फेट था या हाईली सॉलिबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हो दोनों में बेटा कॉमन आयन इफेक्ट फॉलो करेगा कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी बेटा क्या होगी घट जाती है तो बस आपको सिर्फ बेटा ये याद रखना है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी बेटा क्या होती है डिक्रीज करती वहां कॉमन आयन इफेक्ट क्या था कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक एसिड या वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है यहाँ पर बेटा सॉलिबिलिटी घट जाती जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी अब जैसे देखो ये न्यूमेरिकल है आप देखो बेटा क्या कह रहा है मोलर सोलबिलिटी ऑफ निकिल हाइड्रोक्साइड इन पॉइंट वन मोलर एने देखो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन हो कॉमन आयन का तो पहले बेटा इसको आयनाइज कर दिया करो ठीक फिर बेटा के का फार्मूला निकाला करो फार्मूला लिखो एनआई डबल प्लस ओ एच माइनस का होल स्क्वायर अब देखो बेटा मान लो निकिल हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी कॉमन आयन में बेटा कितनी है एस तो देखो बेटा निकिल आयन का एक सोर्स है केवल निकिल हाइड्रोक्साइड कितना मिलेगा एस हाइड्रोक्सिल आयन के दो सोर्स हैं एक बेटा क्या है निकिल हाइड्रोक्साइड और एक बेटा एनएच कितना है पॉइंट वन तो देखो NaO से कितना मिलेगा 0.1 हाइड्रो निकल हाइड्रोक्साइड से कितना मिलेगा 2x हम लोग बेटा इसको तुरंत नेगलेक्ट कर देते हैं तो देखो बेटा यहाँ क्या रखा निकल आयन S ये बेटा क्या रखा 0.1 ये हो गया इसका स्क्वायर KSP S के आगे आ गया KSP अपॉन 0.1 का स्क्वायर KSP बेटा कितना दिया 2 into 10 की पावर माइनस -15 अपॉन पॉइंट वन का पॉइंट जीरो आ जाएगा टू इंटू टेन की पावर माइनस तो ये याद रखना है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है जितना ज्यादा कॉमन आयन सॉलिबिलिटी उतनी कम जैसे देखो इसी क्वेश्चन को देखो इन्होंने किया पहले देखो बेटा ये के का इन्होंने भी फार्मूला लिख लिया मान लीजिए निकिल हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी देखो एस माना तो एनआई डबल प्लस बेटा कितना हो गया एस हाइड्रोक्सी लाइन के दो सोर्स है निकिल हाइड्रोक्साइड से कितना मिलेगा टू एस और बेटा एनएस से कितना मिला पॉइंट वन इसको नेग्लेक्ट कर दिया दोनों वैल्यू रख दिया ये आपका आंसर हो गया फिर देखो बेटा एक ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेशन उसको आपको ज्यादा नहीं जाना बस इस पॉइंट को समझ लीजिए इन्होंने बोला सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फेट इंक्रीज़ेस एट लोअर पीएच। दिस इज बिकॉज एट लोअर पीएच द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन डिक्रीजेस ड्यू टू प्रोटोनेशन देखो बेटा इसको ऐसे समझिए बेटा सोडियम फास्फेट किसमें टूटेगा बेटा थ्री एन ए प्लस अब अगर बेटा इसमें लोअर पी एच का मतलब एच प्लस आया आप बेटा अगर एच प्लस मिलाओगे तो एच प्लस बेटा किससे रिएक्ट करेगा फॉस्फेट आयन से तो आपका बेटा रिएक्शन से फॉस्फेट आयन बेटा क्या हो रहा रिमूव हो रहा फॉस्फेट एन रिमूव होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ये रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड सोडियम फॉस्फेट और डिसोसिएट होगा असेचुरेटेड सोल्यूशन बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अनसेचुरेटेड में और आपके सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी फिर से देखिए जरा हम कहना क्या चाह रहे हैं जैसे ये आपका सोडियम फॉस्फेट है

तो देखो बेटा आप पीएच को लोवर कर रहे हो यानी बेटा आप एच प्लस बढ़ा रहे हो तो एच प्लस बढ़ा रहे हो तो बेटा एच प्लस होगा क्या एच प्लस से रिएक्ट करेगा ठीक है ना तो रिएक्शन बेटा क्या ये यहां से फॉस्फेट आयन कंज्यूम होने लगेगा फॉस्फेट आयन अगर कंज्यूम होने लगेगा तो ली चेटलियर क्या कहता है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाने से क्या होगा सोडियम फॉस्फेट और टूटने लगेगा और फूटने लगेगा तो सेचुरेटेड सोल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा तो सोडियम फॉस्फेट की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी उसी चीज को इन्होंने इससे बताने की कोशिश की है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है आपको आपको सिर्फ बेटा इतना याद रखना है कि पहली बात कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है जितना ज्यादा कॉमन आयन सॉलिबिलिटी उतनी कम और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेप्शन याद रखना अगर सिल्वर का कंपाउंड है लाइक सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड अगर उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो उसकी सोलिबिलिटी वाटर से ज्यादा होती है तो देखो आप तीन पॉइंट याद रखिए सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी बेटा वाटर में होती है कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी घटती है जैसे जैसे कॉमन आयन बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी और घट जाएगी ठीक और इसका एक्सेप्शन क्या है अगर बेटा सिल्वर का कंपाउंड एल एर है और उसको आपने पानी में सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व किया तो सोलबिलिटी बेटा बढ़ जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक और फिर ये वाला पॉइंट क्या है कि जैसे अगर आपके सॉल्ट जैसे इन्होंने फॉस्फेट बोला है फॉस्फेट बेटा वीक एसिड अगर सोडियम फॉस्फेट अगर आपका सॉल्ट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है यानी नेचर उसका बेसिक है तो अगर आप पीएच बेटा डिक्रीज करोगे एच प्लस इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी बेटा क्या होगी इंक्रीज करेगी जितनी कम पीएच होगी यानी जितना ज्यादा एच प्लस होगा एसिड और सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी ठीक है यही बेटा दूसरा केस ले लो अगर मान लो अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है नेचर कैसा है एसिडिक अगर इसमें बेटा आप पीएच बढ़ाओगे पीएच बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी तो आपको क्या रखना है एक एसिडिक नेचर के कंपाउंड की सोलिबिलिटी एसिडिक नेचर के कंपाउंड की सोलिबिलिटी अपोजिट में ज्यादा होगा और जितना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा यानी पीएच जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और अगर आपके सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है जैसे उन्होंने फॉस्फेट फॉस्फेट का लिया सोडियम है नेचर बेसिक है अगर सोल्यू आपके सॉल्ट के नेचर बेसिक है तो बेसिक वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एसिडिक सॉल्यूशन में ज्यादा होती है और जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जैसे देखिए बेटा आपसे कह रहा फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी पॉइंट वन मोलर एन एच पॉइंट वन मोलर एच सी एल पॉइंट वन मोलर एच टू फोर पॉइंट वन मोलर सॉरी वाटर ले लें तो देखो बेटा कॉमन आयन है िटी बेटा डिक्रीज करेगी अब देखो बेटा इसका नेचर कैसा है बेसिक इन दोनों का नेचर कैसा है एसिडिक तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी एसिडिक में सबसे ज्यादा होगी अब देखो यहाँ दो एसिडिक है यहाँ H प्लस बेटा कितना मिलेगा पॉइंट वन यहाँ एच प्लस कितना मिलेगा पॉइंट टू तो सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी एच टू सो फोर यही बेटा इन चार लाइन का मतलब है नीचे वाले से कोई मतलब नहीं तो आपको क्या याद रखना है अगर आपके कंपाउंड का नेचर एसिडिक है तो उसकी सॉलिबिलिटी अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में ज्यादा होगी यानी बेसिक में तो एसिडिक नेचर है, तो बेटा बेसिक में ज्यादा होगी बेसिक में ज्यादा मतलब हायर पीएच पे सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी और अगर नेचर बेसिक है तो बेटा कहाँ सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी एसिडिक में यानी लोअर पीएच पे सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी यही बेटा इन्होंने चार लाइन में बोल रखा है ठीक है भाई तो ये आपका एनसीआर लाइन बाई लाइन हो गया आयनी के कुलब्रियम बाकी बेटा इसके पी हम लोग कल करेंगे ठीक है बेटा ओके थैंक यू थैंक यू बेटा